वेलकम टू दी वाई फायर स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ दर्निंग इंडिया के सारे, सारे यहाँ पे जुड़ जाइए और क्लास कर दीजिए शेयर ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ ताकि हमारे साथ जुड़ सके आज है सैटरडे की क्लास और सैटरडे जो है ना उसमें अपन क्या करते हैं यहाँ पे वन लाइन ऑफ क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे ताकि एटलीस्ट आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाए ठीक है उसके अलावा आपकी टू पी पे साइंस का जो टेस्ट है वो एज इट इज है आज का राइट right? और उसके अलावा अन अकेडमी पे जो सात बजे जो आपका टेस्ट सीरीज होता है जीके का वो आपकी क्लासेस भी एज इट इज होने वाली है तो कंप्लीट साइंस का जो सिलेबस है जिसको बोलेंगे अपन कंप्लीट जनरल सिलेबस ठीक है कंप्लीट जनरल साइंस का सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनवायरमेंट से रिलेटेड एक ही पूरा का पूरा एक सिलेबस है जो आपको एग्जाम से पहले कराया जाएगा ये बैच आपका चार महीने का बैच है यानी कि टारगेट तो यही है कि चार महीने का बैच लेके आपकी साइंस जो है वो कंप्लीट करा दी जाए यहाँ पे तो कंप्लीट बैच है एडवांस लेवल तक इसको करेंगे बेसिक से शुरू करें जिसका टाइमिंग आपका हर शाम को छः बजे आज यहां पे ना आपका टेस्ट होने वाला है क्योंकि हमने एनिमल किंगडम कंप्लीट कर लिया है तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक टेस्ट हो जाएगा राइट अपार्ट फ्रॉम इट की क्लास अच्छा इसके अलावा पैसएससी से लेके बैंक से लेके रेलवे से लेके कोई भी जो सब्सक्रिप्शन आप अन अकेडमी पे लेते हैं आप वहां पे शिप्रा लाइव कोड यूज कर सकते हैं जिससे आपको टेन परसेंट का एडिशनल डिस्काउंट बारह महीने के जो अमाउंट होती है उस पर टेन परसेंट का डिस्काउंट आपका हो जाएगा राइट चलिए पहले क्वेश्चन के साथ सीधा शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय होम अच्छा वन लाइनर है तो जल्दी जल्दी आंसर करिएगा फिफ्टी वन लाइनर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री के जिनके क्वेश्चन आपको यहाँ पे आराम से आंसर कंप्लीट करने हैं। तो एक बार सारे के सारे जुड़ जाइए आंसर भी देना शुरू करिए और शेयर कर दीजिए क्लास को ताकि सारे के सारे बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकें सो गुड मॉर्निंग एवरी अच्छा इसके अलावा आपकी जो स्टैटिक जी के है ना उसकी क्लास भी अपन यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं तो uh, स्टैटिक जीके की क्लास जहां पे डेली मैं आपको 40 से 50 क्वेश्चन करवाऊंगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय होम तो कार लैंड स्टीनर करके याद रखे बिना रुके एकदम शानदार तरीके से आंसर करते जाइएगा कार्ल स्टीनर ने जो ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किया था वो ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप था जबकि ए बी और ओ ब्लड ग्रुप था जो कि ए ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप जो था वो कारण स्टीनर और वीनर के साथ मिलके ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है या ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो बाद में आइडेंटिफाई किया गया था स्टार्टिंग में ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई किया गया था ये सारी जो ब्लड ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन है वो 1928 से लेके 1940 के बीच में हो गई थी मतलब ब्लड ग्रुप्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया और आर एच फैक्टर जो है उसको भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया गया राइट नेक्स्ट देखिए द पी वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड एज आई एव स्टेटेड मेनी टाइम कि किसी भी ह्यूमन के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू किसी भी चीज की नहीं निकाल सकते हो अगर आप बोलते हो कि आपके दिल की धड़कन बहत्तर बार धड़कती है हमारी जो आंख ब्लिंक करती है वो तेरह से चौदह बार ब्लिंक करती है एक मिनट के अंदर हमारी जो श्वसन की दर है वो भी इतनी ही है हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो एक बटा एक सौ बीस बटा अस्सी है तो ये सारी जो वैल्यूज है ना ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है स्टैंडर्ड यानी कि हमने एवरेज वैल्यू निकाली हुई है किसी भी पर्सन की जो ब्लड ग्रुप वगैरह होती हैं या जो भी वैल्यू है वो एग्जैक्टली exactly आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा ना इसका रेंज आप बढ़ा के रखिएगा 7.35 से लेके 7.45 तक लर्न करिए यानी कि 7.35 से लेके 7.45 के बीच की जो वैल्यू है वो लर्न करनी है और ये आप पी स्केल पे नापोगे तो पीएच स्केल पे सेवन के ऊपर की जो वैल्यू होती है उनको हम एल्कलाइन बोलते हैं यानी कि शारिया बोलते हैं और इसके नीचे की जो वैल्यू होती है वो आपकी एसिड की अम्लीय बोली जाती है तो हमारा जो ब्लड है वो क्या हो गया स्लाइटली एल्कलाइन कभी कभार यही क्वेश्चन आता है तो स्लाइटली एल्कलाइन करके रखिए याद कि हमारा ब्लड जो है वो क्या होता है स्लाइटली एल्कलाइन करके यहाँ पे बोला जाता है नेम द गैस यूज फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी वनस्पति घी बनाने के लिए प्रयुक्त तो गैस का नाम बताइए तो वेजिटेबल घी या वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं तो उसमें कैटलिस्ट अपन क्या इस्तेमाल करते हैं निकेल और जो गैस इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी इस्तेमाल की जाती है हाइड्रोजन इसीलिए तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हाइड्रोजीनीकरण के नाम से बोला जाता है हाइड्रोजोनी हाइड्रोजीनीकरण के नाम से इसको बोलते हैं ना हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है डॉग बाइट कैन कॉज रेबीज अब रेबीज क्या है रेबीज जो है ये वायरल डिजीज है यानी कि वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी जो है इसको बोला जाता है राइट अब वायरस के द्वारा जो बीमारी हो रही है वो डॉग बाइट से हो रही है जिसको आप क्या बोलते हो? और रेबीज को हम किस नाम से और भी जानते हैं हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं ना हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज की जब बीमारी होती है तो पानी से डर लगने लग जाता है ना उस कॉन्टेक्स्ट में तो कौन सा और एनिमल जो है ना वो रेबीज को यहाँ पे आ, जो है ना फैलाने में एक वेक्टर की तरह कारगर हो सकता है तो डॉग के अलावा आप बैट और रेट भी याद रखिएगा ज्यादा तो आपको बैट ही याद रखना है अंडर सरकमस्टेंसेज रेड भी लिख देते हैं पर बैट करके याद रखिए ठीक है बैट बैट करके याद रखिए ऊंट ऊंट कहां से लिखा लर्न करके विजेंद्र ऊंट कभी रेबीज फैलाने का काम करता है यहां पे आपको ना बैट लर्न करना है यहाँ पे बैट लर्न करिए बस बाकी और कुछ नहीं लर्न करिए बैट लर्न करना है और उसके अलावा आप डॉग लर्न करिए इनसे रेबीज या हाइड्रोफोबिया वाली जो कंडीशन होती है वो थोड़ी सी फैल जाती है ठीक है अच्छा कहीं पे भी लगे ना कि फास्ट हो रहा है या चीजें या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं बैठा है तो थोड़ा सा बता दीजिएगा बाकी आप बैट डॉग और रेट करके याद रखिए बाकी चूहे जो है ना वो ज्यादातर प्लेग फैलाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं यानी कि वेक्टर माने जाते हैं प्लेग फैलने आने के लिए तो चमका दर्द जो है याद रखिए सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ विच थिंग्स लार जो है वो कौन सी चीज को पाचन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो बिल्कुल बेसिक्स है समझते हैं देखिए सलाइवा जो है उसका हमारा पीएच जो है वो 5.8 के आसपास होता है हमारे मुंह का जो सलाइवा है ये सबसे एसिडिक चीज बोली जाती है है ना सबसे अम्लीय चीज ये किसी इतनी कैपेसिटी होती है कि किसी कीड़े के ऊपर अगर आपने मॉर्निंग वाला जो सलाइवा है ना उसको थूक दिया थोड़ा सा ना तो कीड़ा मर जाएगा सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने के लिए बोलते हैं ताकि जो सलाइवा है पेट में जाएगा और वायरस बैक्टीरिया जो है वो मर जाएंगे है ना ये 5.8 का जो सलाइवा है इसके अंदर दो मेन चीजें होती हैं एक टाइलिन होता है और एक जो है ना अमाइलेज होता है टाइलिन और अमाइलेज ये दो चीज पाई जाती है है ना अब ये टाइलिन और अमाइलेज है वो स्टार्च की डाइजेशन के लिए यानी कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए जिम्मेदार माना जाता है तो अगर आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना है या स्टार्च को डाइजेस्ट करना है तो कौन सी चीज करेगी इसमें मदद तो आप सलाइवा करके याद रखिए तो हम बोलते हैं ना कि डाइजेशन मुंह में किस चीज की शुरू हो जाती है तब अपन आंसर लिखेंगे कि मुंह में डाइजेशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट की शुरू हो जाती है उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ पे शुरू होती है तो आपको क्या लिखना है स्टमक में शुरू होती है प्रोटीन की डाइजेशन और फैट की डाइजेशन कहाँ पे होती है तो फैट जो है वो बाइल जूस से पहली बार डाइजेस्ट होता है तो फैट की डाइजेशन होगी डिओडनम में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में यानी कि छोटी आंत जिसे आप बोलते हो या इसको वृहान के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में ना वृह्र बोलते हैं तो वृहांध्र तो किसी एग्जाम में नहीं पूछते हैं छोटी आंत ही लिखा जाता है तो तीनों चीजें याद रखिएगा पेट की डाइजेशन जो है वो कहां पे होती है सॉरी ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहां पे शुरू हो जाती है माउथ में ही शुरू हो जाती है इसलिए डाइजेशन हमारे मुख गुहा यानी कि माउथ में शुरू हो जाती है प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो पेट में यानी कि स्टमक में होती है और फैट की डाइजेशन कहां पे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के अंदर द हॉर्मोन यूज एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बताइए कौन सा ऐसा जो हार्मोन है ना जो टैबलेट्स जो ली जाती हैं इसको गर्भ निरोधक दवाइयाँ बोलते हैं तो जितनी भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आती हैं ये वैसे आप जब पढ़ते हो तो आप ह्यूमन uh, हेल्थ में पढ़ते हो ये वाली चीज हेल्थ एंड डिजीज के लिए तो हेल्थ एंड डिजीज में एक पार्ट आता है जिसको हम रिप्रोडक्टिव डिजीज के नाम से बोला जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये वो दवाइयां होती हैं या पिल्स होती हैं जो तब ली जाती हैं जब अनचाहा गर्भ या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी जिसे बोलते हैं तो इन पिल्स में किसकी मात्रा ज्यादा होती है तो आप लोग याद रखिएगा इस पिल्स में ना प्रोजेस्ट्रॉन की मात्रा जो है वो ज्यादा होगी इसीलिए एक क्वेश्चन अपन ने किया था टेस्टोस्टेरोन ही प्रोजेस्टेरोन करके याद रखना है टेस्टोस्टेरोन तो मेल सेक्स हार्मोन अच्छा ये भी एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन मेल सेक्स हार्मोन आपको टेस्टोस्टिरोन करके याद रखना है और दूसरा कौन सा याद रखना है एंड्रोजन तो टेस्टोस्टिरोन और एंड्रोजन तो आपको मेल सेक्स हार्मोन याद रखने ठीक है? फीमेल में तो प्रोजेस्ट्रॉन हो गया उसके अलावा ईस्ट्रोजन हो गया यहाँ पे उसके अलावा एच जो है वो बोला जाता है उसके अलावा एक ऑक्सीटोसिन करके बोला जाता है उसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन हो गया ये सारे फीमेल हार्मोन है जिसमें से एच जो है वो प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करता है अब आप याद रखिएगा एक एग की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है लेकिन फीमेल एग जो है अगर वो फर्टिलाइज हो गया है बन गया है, और प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है उस कंडीशन में अगर आई पिल्स जो है खाई जाती हैं या दवाई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खाया जाता है तो उसमें प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई होता है प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जिस भी चीज में या दवाई में हाई होगा या इनफैक्ट अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो जा रही है और जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है वो बॉडी में रिलीज होना शुरू हो गया तो अबॉर्शन भी हो जाता है जिसको नेचुरल अबॉर्शन बोलते हैं तो प्रोजेस्ट्रॉन करके याद रखिएगा प्रोजेस्ट्रॉन जो है ना वो कभी भी प्रेगनेंसी इनिशियल स्टेज पे नहीं रिलीज होता है प्रेगनेंसी के बाद में रिलीज होता है जब इम्प्लांटेशन होकर वो जाइगॉट जो है वो अपना इस स्टेज को कवर कर चुका है या इस स्टेज पे आ चुका है मतलब एम्ब्रियो बन चुका है वो इनिशियल स्टेज में तब जाके प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होगा अगर इससे पहले प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है तो एग जो है वो टूट जाता है या खराब हो जाता है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन सा हॉर्मोन होता है प्रोजेस्ट्रॉन करके याद रखिएगा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डीएनए स्ट्रेंड स्टैंड डीएनए की फुल फॉर्म आपको बतानी है तो डीएनए की फुल फॉर्म आप डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड करके लर्न कर सकते हो डी ऑक्सी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तो एक डीएनए जो है वो पर्टिकुलरली क्रोमोजोम या फिर ये बोल सकते हैं कि डीएनए जुड़ के क्या बनाता है क्रोमोजोम बनाता है तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या लर्न करनी है आपको डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ठीक है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड करके याद रखिए डीएनए की फुल फॉर्म इसी का कॉन्टेपररी जो है वो आपको आरएनए लर्न करना है तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी राइबो न्यूक्लिक एसिड राइबो न्यूक्लिक एसिड अपन ने इसके बारे में बात किया था कि जो इसके जो बैकबोन होती है वो शुगर और फास्फेट की बनी होती है बैकबोन किसकी बनी होती है शुगर प्लस फास्फेट की और इसके बीच में बॉन्ड्स कौन से होते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड याद रखना है शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन यानी कि यहां पे जो बॉन्ड होगा उसको आप कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जानोगे और यही चीज अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे कौन से बॉन्ड होते हैं तब आप आंसर क्या बताए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग डीएनए की एक्सप्लेनेशन पहली बार तो विल्किस के द्वारा की गई थी विल्किस के लिए हम बोलते हैं यहाँ पे लेकिन 1953 में जो अवार्ड दिया गया था वो वॉटसन एंड फ्रैंकलिन सॉरी वॉटसन एंड क्रिक को दिया था जबकि वास्तव में अगर बोला जाए कि ये डीएनए की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी तो फोटो नंबर 51 और फोटो नंबर 54 के हिसाब से आपको रोजालैंड करके याद रखना है ठीक है फ्रैंकलिन रोजालैंड फ्रैंकलिन रोजालैंड के द्वारा जो डीएनए है उसको आइडेंटिफाई किया गया था लेकिन क्रेडिट सारा का सारा वॉटसन एंड क्रिक को मिल गया क्योंकि नोवल प्राइज जो है वो वॉटसन एंड क्रिक को ही यहाँ पे मिला था राइट right? तो डीएनए यहाँ पे याद रखिए डी राइबो एसिड आरएनए जो है वो राइबो एसिड करके याद रखना है शुगर का चेंज होता है शुगर का हमारे बॉडी के अंदर आरएनए मौजूद होता है लेकिन आरएनए जो है ना वो अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है आरएनए से राइबोसोम बनते हैं आरएनए से टीआरएनए बनते हैं आरएनए मैसेंजर आरएनए के रूप में काम करता है आरएनए प्रोटीन कोडिंग करने के लिए जरूरी होता है लेकिन आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में मौजूद नहीं होता है आरएनए नहीं होता है हमारे बॉडी में डीएनए जो है वो अनुवांशिक पदार्थ की तरह मौजूद होता है इनफैक्ट याद रखिए जितने भी यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म आप किसी को भी बोलोगे सबके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ होगा वो डीएनए ही मौजूद होगा जबकि यही स्टेटमेंट अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस के अंदर क्या मौजूद होता है तो वायरस आपको पता है वायरस नॉन लिविंग माने जाते हैं यानी कि मृत जो है वो माने जाते हैं तो इनके अंदर जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों चीजें मौजूद हो सकती हैं बाकी सबके अंदर जो है वो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होते पदार्थ होता है ना व्हाट परसेंटेज ऑफ दी वाटर लॉस्ट व्हाट परसेंट ऑफ वाटर लॉस ड्यूरिंग दी ट्रांसफरेशन वास्पोत्सर्जन के दौरान कितना प्रतिशत पानी जो है वो पेड़ों से नष्ट हो जाता है तो आप लोग याद रखिए कि कई बार ना हम चीजों को थोड़ा सा मिस गाइडेंड मिसगैडेंस वे से लर्न करते हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल मान लीजिए कि वाटर के अंदर आ, प्लांट के अंदर हंड्रेड परसेंट वाटर अभी अवेलेबल है ठीक है तो यहां पे ट्रांसपरेशन के दौरान ट्रांसपरेशन के दौरान पौधे जो है वो कितना परसेंट अपना पानी लूज कर देंगे इसीलिए कई कई पौधे जो होते हैं वो ट्रांसपेरेशन को अवॉइड करते हैं डेजर्ट प्लांट तो आपको पता ही है कि वो तो ट्रांसपरेशन होने ही नहीं देते हैं उनके स्टोमेटा दिन में क्या रहते हैं क्लोज रहते हैं यानी कि बंद रहते हैं तो बंद रहेंगे तो ट्रांसपरेशन जो है वो किसी भी माध्यम से या किसी भी तरीके से होगी ही नहीं ट्रांसपिरेशन देखिए कि जनरली बोला जाता है तो ट्रांसपिरेशन याद रखिए 99% बोला जाता है 99 तो अगर कोई पौधा एकदम दिन के समय पे यानी कि बिल्कुल सूरज निकल रहे हैं और वो स्टोमेटास उसके सारे के सारे ओपन है स्टोमेटास क्या होता है जिसके थ्रू ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की जाती है पतियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र बोले जाते हैं स्टोमेटा पोर्स बोले जाते हैं तो आप याद रखिए इन हंड्रेड परसेंट में से नाइनटी नाइन परसेंट वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के दौरान लूज हो सकता है राइट right, लूज हो सकता है तो एक परसेंट भी पौधे में पानी बचता है अगर कंप्लीट ट्रांसपिरेशन जो है वो हो जाती है इसीलिए प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन को अवॉइड यहाँ पे करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी ऊर्जा का पिरामिड जो है वो कैसा होता है ये देखिए पिरामिड्स के बारे में आपसे कभी भी पूछा जाए या पिरामिड्स होते क्या है तो हमारे इको में पिरामिड्स बनते हैं और हम पिरामिड्स तीन तरीके से बनाते हैं जिसमें से एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी ऐसे करके बनाया जाता है एनर्जी का पिरामिड हमेशा क्या होता है अपराइट होता है यानी कि सीधा होता है कैसा होता है अपराइट देखिए व्हाट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस यूनिवर्स तो आप सन लिखेंगे हमेशा हमारे को एनर्जी जो है वो कहां से मिलती है हमेशा एनर्जी जो है वो सूरज से मिल रही होती है और ये सूरज एनर्जी किसको दे रहा होता है सूरज वन परसेंट अपनी एनर्जी जो है वो प्लांट्स या पौधे को दो, दे रहा होता है प्लांट से यही एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है प्राइमरी कंज्यूमर के पास फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्जरी कंज्यूमर ये होता है हमारा पिरामिड तो एनर्जी हमेशा एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती है और अल्टीमेट सोर्स जो है वो कौन है वो पौधा है यहाँ पे तो सीधा करके आपको याद रखना है ट्राइंगल शेप तो पिरामिड हो गया लेकिन आपसे पूछेंगे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी होता क्या है उल्टा होता है सीधा होता है तो ये जो स्ट्रक्चर है वो सीधा है तो अपराइट लिखोगे अगर यही स्ट्रक्चर जो है ना वो मैं ऐसे करके बना दू ऐसे तो ये कैसा हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा और ये वाला जो पिरामिड है वो किसका होता है बायोमास का होता है किसका बायोमास तो बायोमास करके याद रखिएगा बायोमास का मतलब हो गया कि वजन वजन है ना तो जो जू प्लैंगटन्स होते हैं या फाइटो प्लैंगटन जो बिल्कुल समुद्र में होते हैं तो ओशियन में समुद्रों में जो बायोमास का पिरामिड होता है वो उल्टा पिरामिड करके बोला जाता है ठीक है उल्टा बाकी पिरामिड ऑफ एनर्जी आपको सीधा करके याद रखना है अच्छा यहां से एक चीज और भी याद रख लीजिए टेन परसेंट लॉ याद है आपको टेन परसेंट लॉ तो सूरज से जो हमें एनर्जी मिलती है वो तो खाली वन परसेंट होती है एक परसेंट तो सूरज की हम कितनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं खाली एक परसेंट एनर्जी इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके अलावा जितने और भी एक फूड चेन के अंदर लेवल होंगे वो सारे के सारे टेन परसेंट एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये लॉ याद रखिए नेम लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन तो लिखा नहीं है और सिर्फ आपको लार्जेस्ट ग्लैंड लिखा हुआ है तब आंसर आप क्या करेंगे देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखेगा जब आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बता दीजिए तो एंडोक्राइन क्या होता है अंतः स्रावी क्या बोलते हैं हम एंडोक्राइन को अंतरश्रवी ग्रंथि लिखते हैं तब आंसर आप क्या लिखेंगे बताइए एंडोक्राइन और जब आपसे सिंपल लिखा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड बता दीजिए इन दोनों ही कंडीशन में आपके आंसर दोनों के अलग अलग हो जाएंगे और आप मुझे जरा दोनों आंसर बताइए लिवर आप लिखेंगे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है उसका आंसर आप लिवर लिखेंगे ठीक है अभी लार्जेस्ट ग्लैंड का आंसर मैं लिवर लिख दे रही हूँ यकृत जो है वो लिख दिया आप ये बताइए कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होगा बताइए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अभी नहीं क्वेश्चन में ना घूम जाते हम थोड़ा सा नहीं आता है आप लोगों को तो ये काफी अच्छे से आपको यहाँ पे हेल्प करेगा मिक्स्ड ग्लैंड तो पेनक्रियाज हो गया अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना है यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बताना है तो आप लोग याद रखिए कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो थारॉइड है क्या है थायरॉइड फाइव इंटू थ्री इंटू टू सेंटीमीटर्स का पूरा एरिया इसमें कवर किया जाता है और ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के जो सात एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उन सबका सबसे बड़ा ग्लैंड बोला जाता है पेनक्रियाज क्योंकि आप स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको लगता है पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा होगा लेकिन पेनक्रियाज आर जस्ट लाइक अ फिंगर शेप तो इतने बड़े होते हैं पैनक्रियास कोई बहुत बड़े नहीं होते जब स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाता है तो आपको लगता है अरे पेनक्रियास का साइज बड़ा होगा पर पेनक्रियास का साइज जो है वो थायराइड से छोटा होता है और थायराइड आप देखो आपके पूरे गले पे होता है ये जितना आपको सर्वाइकल का एरिया नजर आता है सर्वाइकल के एरिया के आगे जो आपकी ये गर्दन नजर आती है ना यहाँ पे पूरे में थारॉयड होता है तो थाइराइड जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए तो आपको लिवर करके सिंपल आंसर करना है और अगर आपसे लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन ग्लैंड पूछा जाए तो ग्लैंड ही एक है मिश्रित ग्रंथि तो टोटली totally आपको एक ही है तो उसके लिए आप जो है वो आंसर लिख सकते हैं ठीक है आपसे अगर हेट्रोक्राइन बोला जाए कंपोजिट ग्लैंड पूछा जाए मिश्रित ग्रंथि पूछा जाए तब आंसर पेनक्रियाज कर रहे हैं वरना आप इसको थायराइड ग्लैंड ही लिखोगे क्या लिखोगे थायराइड ग्रंथि ही लिखोगे ठीक है थायराइड ग्रंथि नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अच्छा लिवर का वेट वगैरह तो आपको पता ही है मेरे ख्याल ये सारी चीजें क्लियर है लिवर का डेढ़ किलो का वेट होता है एप्रोक्सीमेटली हालांकि कभी-कभी आपको 1.35 से लेके 1.52 केजी याद रखना है तो इसके रेंज में जो भी आपसे वैल्यू पूछी जाए आप आंसर कर दीजिएगा 1.35 से लेके लेकेजीव टू के जी का होता है तो बॉडी के ऑर्गन्स में सबसे भारी जो है वो लीवर ही होता है तो वेट के हिसाब से याद रखिए बाकी लिवर को हम केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं हमारे बॉडी की वट इज केमिकल नेम ऑफ दी सबस्टेंस विच किल्स दी रेट चूहे की मारने की okay, दवाई चूहे की मारने की जो दवाई होती है वो आप एक बात सही आपने सुना है कभी चूहे को मारने के लिए एक दवाई होती है बिस्किट बोला जाता है ना चूहे का बिस्किट ले आओ भाई बाजार से चूहे को भी हम बिस्किट खिलाते हैं पर उसे ये नहीं पता ये बिस्किट जो है ना वो उसके उसको खुफिया तरीके से ना मारने के लिए रखा हुआ है तो बताइए यहाँ पे अगर चूहे को मारने की जो दवाई होती है जिंक फास्फेट क्या बोलते हैं उसको जिंक फॉस्फेट करके बोलते हैं जिंक फॉस्फेट या सिंपल उसको वैसे तो फॉस्फेट बोला जाता है जिंक फॉस्फेट करके बोलते हैं ना लेकिन ये किस तरीके का फास्फोरस होता है ये भी बताइए व्हाइट फास्फोरस है ये येलो फास्फोरस है या रेड फास्फोरस है बताइए जिंक फॉस्फेट को इस्तेमाल किया जाता है जेड एंड पी थ्री अब ये व्हाइट फॉस्फोरस है येलो फॉस्फोरस है या रेड फॉस्फोरस है तीन तरीके के फॉस्फोरस होते हैं ना अपने व्हाइट हमारे बॉडी में भी होते हैं ना व्हाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस या फिर येलो फॉस्फोरस तीन तरीके का फॉस्फोरस यानी कि जिसका पी सिंबल रहता है पी थ्री पी फोर और पी फाइव करके लिखते हैं व्हाइट फॉस्फोरस करके याद रखिए जिंक फॉस्फोरस को इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपका व्हाइट फॉस्फोरस बोला जाता है राइट व्हाइट फॉस्फोरस राइट द मेटल प्रेजेंट इन दी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में मौजूद जो धातु होती है उसको किस नाम से जाना जाता है बताइए द मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन तीन चीजें आपको लर्न करनी है सबसे पहले हीमोग्लोबिन का मेटल बता दीजिए उसके अलावा आपको इंसुलिन जो है उसमें जो मेटल होता है वो लर्न करना होता है जहां से भी पॉसिबल क्वेश्चन आते हैं आपको और तीसरी चीज आपको क्लोरोफिल लर्न करनी है तो हीमोग्लोबिन हुआ इंसुलिन हुआ क्लोरोफिल हुआ ये तीन चीजें जो हैं, उनमें कौन कौन से मेटल उसके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं ये तीन क्वेश्चन आपसे पूछते हैं हीमोग्लोबिन के लिए आपको आयरन लिखना है इंसुलिन के लिए आपको जिंक लिखना है और क्लोरोफिल के लिए आपको मैग्नीशियम करके लिखना है छब्बीस तीस बारह है ना तीनों याद रहेंगे ये 26 30 12 करके याद रखिए आयरन के लिए हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है जिंक के लिए हम 30 लिखते हैं और मैग्नीशियम के लिए यहाँ पे 12 लिखा जाता है और यही तीन चीजें हैं जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछते हैं आई गेस चीजें क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे आयरन एफी फॉर्मूला यहाँ पे और ये सारे के सारे जो है ना ये टेक्ट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं मतलब ये चारों जो है तीनों जो है ये टेक्ट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें अगर हम सिर्फ हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन का ये वाला स्ट्रक्चर होता है अल्फा अल्फा डैश बीटा बीटा डैश 126 अमीनो एसिड अल्फा पे और एक अमीनो एसिड जो है वो यहाँ पे बीटा के ऊपर रहते हैं तो उसके लिए अपन यहाँ पे डिफाइन करते हैं ठीक है द मेटल विच इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज आयरन विच मॉस्किटो इज द करियर ऑफ द जीका वायरस जीका वायरस बड़ा फैला था एक बार यहाँ पे तो मच्छर अलग अलग मच्छर जो हैं वो अलग अलग जो है ना बीमारियों को कॉज करते हैं तीन तरीके के मच्छर आपको लर्न करने हैं एक तो आपको एडिस एजेप्टाई जो है वो लर्न करना है दूसरा आपको बड़ा फेमस याद होगा फीमेल एनाफिलिस जो मलेरिया फैलाने का काम करती है है ना फीमेल उसके अलावा क्यूलेक्स मच्छर होते हैं ये क्यूलेक्स क्या होते हैं जो वगैरह होते हैं फिलेरियल फैलाने का काम करते हैं तो तीन तरीके के आपको मच्छर याद रखने हैं जो कि वाहक यानी कि वेक्टर का, का काम करते हैं वेक्टर कौन होते हैं जो अपने अंदर स्पोर्स लेते हैं खुद तो अफेक्टेड नहीं होते हैं लेकिन जो हेल्दी पर्सन होगा उसको अफेक्ट करेंगे जैसे फीमेल एनाफिलिस क्या करती है मादा एनाफिलिस को बोलते हैं मादा एनाफिलिस क्या करती है कि जो प्लाज्मोडियम है जो कि जो बीमारी कॉज करता है मलेरिया उस प्लाज्मोडियम को अपने सलाइवा में रखती है और हेल्दी ह्यूमन बींग को जब काटेगी तो उसके सलाइवा में अपने जो स्पोर्स वो लेके आई है उनको रख देगी अब मलेरिया मच्छर को कभी मलेरिया नहीं होता ना कि मच्छर मर रहा है मलेरिया से ह्यूमंस को प्रॉब्लम होती है मलेरिया से तो जो वाहक होते हैं वो अफेक्टेड नहीं होते हैं लेकिन वाहक बीमारी को फैलाने का काम करते हैं तो फीमेल एनाफिलिस मलेरिया एडिसाई ये तीन बीमारियों को कॉज करता है तीन बीमारियां कौन कौन सी तीन एक आपको डेंगू जो वायरस है उसको लेके जाती है डेंगू भी वायरस से होता है दूसरा चिकनगुनिया जो होता है चिकनगुनिया चिकनगुनिया को भी लेके फैलाने का काम करती है ये ये भी वायरस बीमारी है डेंगू भी वायरस से होता है चिकनगुनिया भी वायरस से होता है और इन दोनों के सिम्टम्स बड़े कॉमन होते हैं तो अगर किसी को डेंगू या चिकनगुनिया में से कोई एक बीमारी है तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो प्लेटलेट्स वगैरह से ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है और तीसरा जो है वो जीका वायरस भी याद रखे जीका वायरस डेंगू वायरस और चिकनगुनिया ये कौन कॉज करता है या कौन लेके जाता है एडिस एजेप्टाई पूरा नाम याद रखिएगा एडिस एजेप्टाई एनापेलिस जो है वो मलेरिया फैलाती है और क्यूलेक्स जो है ये फिलेरियल वार्म जो होते हैं उनको ये जो स्पोर्स होते हैं उनको कैरी करती है और ह्यूमंस में वार्म के लिए यहाँ पे डिफाइन किया जाता है ठीक है ये चीज याद रखिए नेक्स्ट एडवर्ड जेनर इज रिलेटेड टू विच ऑफ दी फॉलोइंग डिजीज एडवर्ड जेनर जो है वो किस बीमारी से संबंधित हैं एडवर्ड जेनर किस बीमारी से बोला जाता ये, ये का पूरा आपको याद रखना है पहली बात तो ये एडवर्ड जेनर को हम फादर ऑफ वैक्सीन बोलते हैं एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीन करके बोला जाता है दूसरा चीज ये बोलते हैं कि भाई ये ना ये जो स्काउ पॉक्स की जो बीमारी थी जिसको स्मॉल पॉक्स आज हम जानते हैं बीमारी ह्यूमंस बींग ह्यूमन बींग्स के लिए एक वरदान की तरह साबित हुई थी बीमारी वरदान हो सकती है क्या नहीं हो सकती है लेकिन अगर ये बीमारी नहीं होती तो एडवर्ड जेनर शायद कभी टीकाकरण या वैक्सीनेशन को एक्सप्लेन नहीं करते और बहुत देर हो चुकी होती टीकाकरण बनाने के लिए और आज शायद हम इतना टेक्निकली केपेबल नहीं होते वैक्सीन के लिए ये यूपीएससी में जब इंटरव्यू होता है ना तो ये क्वेश्चन पूछा था कौन सी बीमारी ह्यूमंस के लिए वरदान साबित हुई तो एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स यानी कि स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीनेशन है वो किया था तो ये बीमारी नहीं हुई होती तो एडवर्ड जेनर कभी बनाए ही नहीं होते बाकी एडवर्ड जेनर को हम स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक के लिए बोलते हैं हालांकि इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोला जाता है तो चेचक नाम की जो बीमारी है उसकी वैक्सीनेशन जो है वो एडवर्ड जेनर के साथ एसोसिएटेड है और ये ज्यादा एसोसिएट इसलिए है क्योंकि फादर ऑफ वैक्सीनेशन इनको बोलते हैं लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात एक चीज याद रखिए शायद एडवर्ड जेनर से ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है ना वो लुईस पाश्चर का है क्यों भाई किस लिए मैंने ये स्टेटमेंट बोला तो आप याद रखिएगा लुईस पाश्चर ने दो बीमारियों की वैक्सीनेशन बनाई एक तो रेबीज की बनाई और दूसरा एंथ्रेक्स नाम की जो बीमारी है उसकी बनाई एंथ्रेक्स जो है वो पशुओं में होती है पशु कैटल्स जो होते हैं उनके अंदर होता है और रेबीज हम सबको पता ही है वायरल बीमारी होती है वायरस होती है आपको पता है कि एडवर्ड जैनर ने तो फिर भी टीकाकरण काउपोक्स या चेचक का तब किया जब उनके सामने केसेज आए है ना जब उनको पता लगा कि ऐसा वायरस जो है वो फैल रहा है और वो केसेस कर रहा है या ही बच्चों को थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम हो रही है आपको पता है ने रेबीज और एंथ्रेक्स का टीका तब बनाया जब उनको ये पता भी नहीं था कि ये वायरस की वजह से कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है तो उन्होंने जिनको प्रॉब्लम थी उनके ब्लड के सैंपल से एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन करवा के जो है ना वो वैक्सीनेशन बना दी बहुत ही मतलब अलग सी चीज है ये मतलब उनको पता भी नहीं था कि एंथ्रेक्स और रेबीज जो है वो वायरस से होता है और उन्होंने तो उसके लिए वैक्सीनेशन यहाँ पे ना बना दिया तो स्मॉल पॉक्स करके याद रखें स्मॉल पॉक्स को हम क्या बोलते हैं चेचक बोलते हैं विच विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी अमोन किस विटामिन को ना हार्मोन भी माना जाता है बताइए इस पर्टिकुलर विटामिन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ कि भाई ये पर्टिकुलर विटामिन जो है ना ये हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन का भी काम करता है कौन सा योगेंद्र जी के थर्टीन और फोर्टीन ये कहाँ हुआ था अन अकेडमी पे हुआ था ना ये टेस्ट आपका तो वहां से आपको मैंने बोला था कि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है अन अकेडमी पे आप विद एनोटेशन जो है वो पीडीएफ अपने लेवल पे डाउनलोड कर सकते हैं तो वो आपको डाउनलोड करनी थी ना वहां पे अपने आप से पास्चराइजेशन टेक्निक या लुइस पास्चर ने रेबीज जो है वो याद रखिएगा कभी बनाया यहां पे जब उनको वायरस के बारे में कुछ पता भी नहीं था क्या बात है बहुत बढ़िया विटामिन डी करके याद रखिए और ये बात मैंने आपको कई दफे समझाई है ना कौन से दो विटामिन आपकी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन डी और विटामिन बी अगर इनकी मात्रा आपके शरीर में या इनका लेवल जो है वो हमारे बॉडी में बिल्कुल परफेक्ट है ना तो याद रखिए कि फिर आपके शरीर में किसी और विटामिन की कमी होगी नहीं और विटामिन तो छोड़िए ये कैल्शियम के लिए भी स्टिमुलेशन का काम करता है अगर आपके बॉडी में या मेरे बॉडी में विटामिन डी की कमी है और मैं कैल्शियम 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 ले जा रही हूं तो लेने का कैल्शियम कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि विटामिन डी है तो विटामिन डी मतलब नहीं है बॉडी में तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो विटामिन डी हार्मोन की तरह भी काम करता है स्टिम्युलेट करता है बॉडी को ताकि वो बाकी के सारे जो विटामिन हैं उनको ले सके स्टिम्युलेट का मतलब होता है देखिए उत्तेजित करना उत्तेजित मतलब हमारे बॉडी में खाली हमारा हार्ट है जिसको उत्तेजित नहीं करना पड़ता है ये तो आप लोग को बहुत भली, भली बात ही पता होगी ये तो मुझे शायद बताने की जरूरत ही नहीं है खाली हमारा हार्ट ही है जो बिना बात के उत्तेजित होता रहता है कुछ देख के कुछ कुछ भी देखा अच्छा खासा चीजें लो भाई अलग ही उत्तेजित हो रहे हैं लेकिन उसके बाद ही यहाँ पे याद रखिए कि, कि बाकी हार्ट के अलावा ये बायोलॉजिकली मैं बता रही हूँ आपको मायोजेनिक ऑर्गन है हमारा हार्ट तो हमारे हार्ट को स्टिम्युलेट करना नहीं पड़ता है उसके अलावा आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं दे कि उनको उत्तेजित करना पड़ता है और उसके बाद जो मिनरल्स वगैरह है ना वो ये लेते हैं तो कैल्शियम जो है या बाकी के विटामिन जो है ना वो हमारे हार्ट ये हमारे विटामिन डी के स्टमुलेशन के बाद ही होता है यहाँ पे है ना Which part of the brain is the center of thirst, hunger and sleep? मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास और नींद का केंद्र जो है वो बोला जाता है क्या खोज कर दिया 1665 में किसकी खोज कर दी कुछ देख के मतलब किसी को देख के योगेश ऐसा क्या मतलब कुछ देख के क्या ये थोड़ी बोला है मैंने अभी अभी आप लोग मुझे पता पढ़ाई से ज्यादा कुछ देखते हो नहीं और वैसे भी अभी लॉकडाउन है तो ज्यादा कहाखने को मिलेगा कुछ चौदह का लिंक पीडीएफ कमेंट सेक्शन में नहीं है तो ठीक है उसको मैं अपडेट करा देती हूँ हाँ यूट्यूब वाला तो मैं अपडेट करा देती हूँ हाइपोथैलेमस करके याद रखें हाइपोथैलेमस ठीक है अच्छा हाइपोथैलेमस इसके अलावा भी बहुत सारे काम करता है इसके अलावा हाइपो देखिए भूख प्यास नींद तीन चीजें हो गई चौथा चीज याद रखिए कि आ, ये पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट करने का काम करता है फिर से उत्तेजित करके लिख लीजिए भाई कि हाइपोथैलेमस को एक्ट हाइपोथैलेमस किसको एक्टिवेट करता है तो हाइपोथैलेमस ना पीयूष ग्रंथि जो है ना उसको स्टिम्युलेट करता आप एडर, है आप देखिए पीयूष ग्रंथि यानी कि कितना चीजें बॉडी में देखो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है ना कहा चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है अभी हाइपोथैलेमस क्या ये किसका हिस्सा है थोड़ा सा देखो इस कनेक्शन को जरा समझना खुद हिस्सा है सेरिब्रम का सेरिब्रम खुद हिस्सा है हमारे ब्रेन का ब्रेन का भी क्यों फोर ब्रेन का हिस्सा है यानी कि हमारे ब्रेन के अग्र भाग जो होता है उसका हिस्सा है ये और फोर ब्रेन किसका हिस्सा है हमारे ब्रेन का हिस्सा है ब्रेन हमारी बॉडी का टू परसेंट वेट वाला मतलब दो प्रतिशत वजन रखने वाला हमारे शरीर का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन बोला जाता है तो चीजें यहां से शुरू करें हमारी बॉडी का टू परसेंट वेट हमारे ब्रेन का है ब्रेन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें से पहला पार्ट फोर ब्रेन यानी कि अग्रभाग हो गया अग्रभाग फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसका पहला इंपॉर्टेंट भाग जो है वो सेरिब्रम हो गया है ना अब के के अलावा भाग के तीसरे हिस्से में हॉर्मोनल ग्लैंड इंक्लूडिंग हिमसेल्फ ये वापिस से बाकी के छह ग्लैंड और अपने आप को भी उत्तेजित करता है हाइपोथेलमस भूख नींद प्यास को कंट्रोल कर रहा है साथ में पीयूष ग्रंथि और पांचवा जो है वो सेक्सुअल अराउजल के लिए तो जितनी भी ये भूख लग रही है प्यास लग रही है या सेक्सुअल की फीलिंग है या पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट करना है 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 ये ये सब फिर हमारा जो ना हाइपोथैलेमस करता है. तो हाइपोथैलेमस इज सेंटर ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज जो है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज लेकिन इसके लिए क्रियाएं जो है वो वॉलेंट्री होती हैं अब भूख प्यास नींद लगेगी तो है ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज लेकिन द एक्शन शुड बी वॉलेंट्री करके आपका डिफाइन किया जाएगा तो सीधा नहीं हर चीज ना दूसरे के कमांड पे ही चल रही है मतलब आप ये याद रखिए जैसे अपन फिर से बात करते हैं के 82 क्योंकि वो सेल्फ स्टलेटिंग है वो किसी की ना सुनता है ना सुनने देता है तो हार्ट सेल्फ स्टलेटिंग है उसके अलावा 81 वन ऑर्गन आपके बॉडी के किसी ना किसी दूसरे ऑर्गन से ही स्टूमेटेड जो है ना वो रहते हैं तो थोड़ा उस तरीके से ना याद रखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए पे पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विच रेगुलेट्स दी ऑफ लाइट द ह्यूमन आई मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है ये देख भाई ऐसी बातें करें हम तो आपको देख लेते हैं हो गया लॉकडाउन लॉकडाउन हुआ तो क्या मतलब क्या बात है सुबह सुबह है को नाम भी ऐसे ही रखा हुआ है हैं बातें भी ऐसी कर रहे हैं मेरे को देख के कुछ ही नहीं कर लोगे भाई तुम कहीं और नजरे रहेंगी तो अच्छा रहेगा प्यूपल करके याद रख सकते हैं हु विच रेगुलेट क्वांटम ऑफ दी लाइट देखिए आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है मैं अगर प्यूपल नहीं लिख के आइरिस लिखू तो ज्यादा बेटर आंसर नहीं होगा यही मैंने आपको पहले भी एक दिन पूछा था कि जो आंख है ना उसका थोड़ा सा ना यहाँ पे कंप्लीट करिए मतलब चीजों को कंप्लीट करने करके ना सीखने की कोशिश करिए सबसे पहली बात मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है प्यूपल कंट्रोल नहीं करता माइंडेड दोबारा से थोड़ा सा ना इस चीज को देखो यहाँ पे प्यूपल कंट्रोल नहीं करता है भाई आंसर आयरिस होगा कंट्रोल करने की बात पूछी जा रही आंख का डायग्राम है यहाँ पे ना देखो सबसे पहली बात ये हमारी प्यूपल और आइरिस का स्ट्रक्चर जो है उसको समझते हो आप ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये जो आपको ये आंख जो नजर आ रही है इसमें आपको ग्रीन कलर का जो पोर्शन नजर आ रहा है ये क्या बोला जाता है ये आइरिस बोलते हैं हिंदी में इसको परितारिका के नाम से जाना जाता है ठीक है हिंदी में इसको परितारिका के नाम से जानते हैं प्यूपल क्या हो गया आंख की पुतली हो गई पुतली वर्ड क्या होता है पुतली आपने वैसे भी सुना होगा ना कटपुतली होती है ना कटपुतली क्या होता है तो सिंपल सा चीज है जब आप किसी अंधेरे कमरे में हो उजाले में आप जाओ आप अपनी आंखें से सुकड़ लेते हो ना मतलब आंखें आपकी छोटी हो जाती हैं इसका मतलब क्या है आप अपने प्यूपल के साइज को छोटा कर दिया लेकिन अगर आप उसी उजाले से वापस अंधेरे के कमरे में आएंगे तो आपको अपना प्यूपल का साइज बड़ा करना पड़ेगा सो प्यूपल इज ओनली द होल थ्रू विच द लाइट एंटरिंग इन टू योर आईज प्यूपल या पुतली में से लाइट जो है वो एंटर करती है यानी कि प्रवेश करती है लेकिन वास्तव में जो कंट्रोल करा जा रहा है लाइट का अमाउंट वो आयरिस के द्वारा किया जा रहा है ठीक है आयरिस के द्वारा किया जा रहा है तो आयरिस करके लर्न करिए यहाँ पे और आयरस जो है वो क्या करता है आंखों को रिलैक्स करने का काम करता है अब मुझे एक चीज और भी बता दो यहां पे कि पर्टिकुलरली क्या हो गया देखो अलग ही चल रहा है क्या बोल है योगेश नहीं कोई योगेश लोगों की उम्मीदें तो रहती हैं क्या ही करें हैं चलिए ठीक है यहाँ पे आयरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है जिसकी वजह से पीपल का साइज़ और डिक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज करता है सो so, आयरिस और पीपल करके याद रखिए अब एक चीज़ और बता दीजिए आयरिस और प्यूपल का फंक्शन आप समझ गए इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए आयरिस जो है ये क्या करता है ये हमारी आंखों के रंग के लिए भी आ, 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 डिफाइन किया जाता है हमारी आंखों का रंग जो है ना वो भी आयरिस के द्वारा डिफाइंड होता है अब आप एक चीज ये बता दीजिए कि आंखों के अंदर जो लाइट एंटर करती है वो किसके थ्रू एंटर करती है बताइए लाइट आंखों में प्रवेश कैसे करती बस भाई बस कतई बिल्कुल ही क्या ही करके मानोगे पढ़ाई करो देखिये मैं आपको पूरी की पूरी चीज एक्सप्लेन कर चुकी हूं अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत है तो बताओ देखो मेरी शादी करने या ना करने से आपके एग्जाम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्यों टेंशन ले रहे हो यहाँ पे ना एग्जाम की तैयारी करो पढ़ाई करो भाई कितना खुशी है कितना ये मजा रहता ना जानने का ये सारी चीजें पढ़ाई की अभी बोलो ना तो आदो की सांस अटक जाएगी पढ़ाई का कुछ पूछो तो सांस अटक जाएगी जो चीजें रटी रही है, है। जल्दी बताइए आप हर बार आंसर प्यूपल दोगे क्या ये बताओ हर चीज का आंसर आप प्यूपल दोगे अब थोड़ा सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट जरा समझिए आयरिस प्यूपल और कॉर्निया इन तीनों का ना डिफरेंस समझ लीजिए और आज के बाद ना इसको बिल्कुल भी करके ना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहली बात आयरिस प्यूपल और कॉर्निया इन तीनों में ना डिफरेंस क्या सबसे पहले कॉर्निया समझो कॉर्निया जो है ना वो विंडो ऑफ आई बोला जाता है विंडो ऑफ आई और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करिएगा कॉर्निया जो है वो स्क्लीरा से बना हुआ ही हिस्सा होता है है ना अगर आप आंख बनाएंगे तो आंख के अंदर ये जो आगे का हिस्सा होता है ये वाला जो कि स्क्रा का एक बटा छ हिस्सा बनता है यानी कि स्कीरा जब अपने आंख अपना एक बटा छ हिस्सा जो है वो डिनोट या डोनेट करती है तब जाके आपका आंख का कॉर्निया बनता है कॉर्निया जो है वो विंडो बोला जाता है यानी कि आंख की जो है ना वो खिड़की बोली जाती है अगर आप अपने दरवाजे देखिए आपके कमरे के अंदर अगर एक ही खिड़की है उस खिड़की को ना आप बंद करके रखोगे और वही अकेला जो सोर्स है वो लाइट को लेके आ सकता है इफ यू स्टॉप्ड या क्लोज दैट विंडो दिखाई देगा क्या आंख में कुछ भी आपने शटर जो है वो डाला हुआ है तो कॉर्निया मतलब हो गया कि विच अलाउज टू एंटर द लाइट इन दी आईज एट ऑल है ना तो कॉर्निया लाइट की एंट्री करवाने में मदद करता है पहली चीज कॉर्निया समझ आ गया कॉर्निया अलाउज द एंट्री ऑफ द लाइट इन दी आईज तो अगर आपका कॉर्निया या किसी का विंडो बंद है तो लाइट नहीं जाएगी दैट इज फॉर द कॉर्निया अब जरा सेकेंड पार्ट पे आइए आइरिस और पीपल समझिए आयरिस और पीपल एक ही चीज का हिस्सा है या एक ही सेगमेंट का हिस्सा है अगर ये आंख का जो आपका काला वाला हिस्सा जो हमने बनाया था ये वाला जो पोर्शन है बाहर वाला ये आयरिस है इसको आप ना रेडियस की तरह समझिए डायमीटर मतलब हाफ कर दिया तो रेडियस समझिए इसको तो ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला ये आपकी पुतली है अंदर की ये वाली जो है ना ये पीपल या पुतली बोली जाती है और ये बाहर वाला जो हिस्सा है वो आयरिस करके बोला जाता है ठीक है आयरिस ये वाले हिस्से को रेगुलेट या कॉन्ट्रैक्ट कौन इधर से लाइट एंटर करेगी कहीं से भी आप देखेंगे तो लाइट यहां से प्रवेश करती है हमारी आंख के अंदर अब इसका साइज छोटा होना है या यहाँ पे बड़ा होगा ये कौन डिसाइड करता है ये डिसाइड करता है तो इस पुतली के अंदर लाइट कितनी जानी है ये आयरिस कंट्रोल करेगा कि पुतली के अंदर लाइट की मात्रा कितनी जानी है दैट इज क्वेंटम ऑफ दी लाइट एंटरिंग इन टू दी आईज ये हमेशा आयरिस डिसाइड करता है ठीक है ऐसे करके याद रखे प्यूपल एक पार्ट है आई का जिसके थ्रू लाइट जाती है जिसके थ्रू लाइट जा रही है लेकिन लाइट कितनी जाएगी ये आयरिस डिसाइड करेगा अब ये बताओ अब मेरी बात समझे यहाँ पे कॉर्निया लाइट को एंटर करवाता है दैट इज इट अलाउज एंट्री ऑफ द लाइट लाइट जो एंटर करके जाएगी वो प्यूपल के थ्रू करके जाएगी लेकिन लाइट कितनी एंटर करेगी कितना जब शब्द शब्द लग जाएगा ना तो आप आयरिस करके याद रखिए चलिए नेक्स्ट बताइए वाटर सोलिबल विटामिन कौन से होते हैं विटामिन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला जो है वो वाटर सोल्यूबल और दूसरा जो है वो फैट सोलबल करके बोला जाता है समझ आ गया ना यहाँ पे कुछ तो दिक्कत नहीं है अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलिए आंसर करिए यहाँ पे सीलियरी मसल जो होती है वो पीपल को यस कंट्रोल करती हैं। आयरिस जो है वो सीलरी सीलियरी, सीलियरी मसल जो है वो आयरस को कंट्रोल करें। तो अगर आप फोर्स लगाओगे या आंख पे जोर डालोगे तो बेसिकली वो आइरिस और उसके बाद सीलियरी मसल जो है ना वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं समझ गए यहाँ पे वाटर सोलेबल और फैट सोलेबल तो बी सी करके याद रखिए मतलब विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सोलबल बोले जाते हैं उसके अलावा विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई और विटामिन के ये चार विटामिन जो है वो फैट सोलेबल करके यहाँ पे आपके डिफाइन किए जाते हैं ठीक है थीके? आप यहाँ पे विटामिन के नाम जो है वो याद रखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन में बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी नाइन और बी ट्वेल्व और विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड करके आपका डिफाइन किया जाता है तो अगर आपसे पूछा जाए फैट सोल्यूबल विटामिन कितने हैं तो चार जो है वो फैट सोल्यूबल्स हैं जिनको आप बोलोगे ए डी ई और के अब आप ये बता दीजिए आपको इनके नाम में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक है आपको इनके नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको लर्न क्या करना है इन सब विटामिन के कौन फैट सोलेबल है कौन आपका यहाँ पे वॉटर्स सोलेबल है दूसरा आपको लर्न करना है कि जितने भी आप विटामिन लर्न करते हो उनके आपको केमिकल नाम जो है वो लर्न कर रहे हैं रासायनिक नाम बी वन किसे बोलते हैं बी फाइव किसे बोलते हैं या बी सिक्स का नाम क्या है केमिकल उसके अलावा आपको इनकी बीमारियां लर्न करनी है तो आपको टोटल विटामिन में तीन चीजें मैक्सिमम अच्छे से लर्न करनी है इन इन के टाइप्स दूसरा इन विटामिन का जो रासायनिक नाम होता है वो अपन पीछे की क्लास में कर चुके हैं वन लाइनर जो लास्ट में किए थे उसमें हम ये सारी चीजें कर चुके हैं और इन विटामिन से होने वाली जो कमियां होती हैं यानी कि इनकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं ये जो है ना आ, करके डिफाइन किया जाता है बीमारी तो वो आपको याद रखना है अब फैट सोलेबल विटामिन आपको यहाँ पे कौन याद रखने चार याद रखने फैट एलेबल ए डी ई और के राइट फैट फैट्स विटामिन करके तो विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों के लिए होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए इम्यून सिस्टम के लिए स्किन के लिए विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के लिए जरूरी होता है या ओवरऑल जरूरी होता है विटामिन ए e जो है वो ब्यूटी विटामिन और इम्यून विटामिन बोला जाता है ये भी हमारे इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है और विटामिन के जो है वो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए और ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का जो जमता है उससे अपन यहाँ पे डिफाइन करते हैं ठीक है ठीके? ये याद रखिए नेक्स्ट बताइए सब्सटेंस यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन से सब्सटेंस को या सब्सटेंस जब लिखा है यहाँ पे तो एलिमेंट पूछ रहे हैं आपसे ठीक है कौन से एलिमेंट को इस्तेमाल किया जाता है जैसे अगर आपसे पूछे कि थाइराइड कैंसर किसी को हो गया तो उसमें कौन से एलिमेंट को यूज किया जाएगा कल ही की क्लास में या परसों की क्लास में बताया अरे भैया पढ़ाई करो आंसर करो जल्दी से बताओ ये बताइए जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं और सेम अगर मैं आपसे पूछूं कि थायराइड के लिए अगर थायराइड कैंसर हो जाता है तो उसके लिए किस एलिमेंट को यूज किया जाता है एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे कोबाल 60 जो है वो कॉमन यूज किया जाता है तो आप कोबाल 60 जो है वो लर्न करिए एलिमेंट जो है वो 60 है जिसको अपन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं आपने कैंसर के लिए कॉमनली कीमोथेरेपी नाम जो है वो सुना होगा कि अगर किसी को कैंसर यहाँ पे हो गया तो उसके बाद कैंसर को ट्रीटमेंट करने के बाद बॉडी को कीमोथेरेपी दी जाती है कीमोथेरेपी का मतलब है कि जहां पे कैंसर था उस एरिया के आसपास के जो सेल्स हैं उनको देखा जाता है कि इन केस कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और सेल अभी भी वहां पे बचा हुआ हो या कोई और सेल अभी भी वहां पे एक्टिवेट हो तो आप उसको क्या बोलोगे कोबाल्ट या कीमोथेरेपी अगर यही चीज जो है ना वो थायराइड के लिए की जाए तो क्या बोलते हैं अपन आयोडीन वन थर्टी वन याद रखिए क्या बोलते हैं आयोडीन वन थर्टी वन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब कोबाल्ट सिक्सटी है इंपॉर्टेंट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पूछेंगे पर जरा इसको याद रखिएगा थायराइड के लिए i131 याद रखिए आयोडीन 131 इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर तो आयरन का कोई एक ओर नहीं है आयरन के टोटल कितने ओर हैं मुझे बता दीजिए आप लोग आपको सारे ओर याद हैं कि नहीं याद है ये बता दीजिए और कितने ओरस बोले जाते देखिए हेमेटाइट ठीक है Fe2O3 Fe3O4 करके हेमेटाइट लिम्नेनाइट ठीक है सेडेराइट करके लिखते हैं सिडेराइट हेमेटाइट लिमरेनाइट सिडेराइट और एक होता है आपका आयरन पायराइट करके ठीक है आयरन पायराइट और एक बोलते हैं अपन कॉपर पायराइट करके तो लोहा जो निकाला जाता है उसके लोहे के जो अयस्क होते हैं का आपको पता है है? कि क्या एक क्वेश्चन आप ग्रुप डी में हंड्रेड परसेंट मान के चलिए कि या तो ओर्स या अलॉयज में से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ओर्स क्या होते हैं? देखिए हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी पे कोई भी एलिमेंट जो है वो ऐसे नहीं है कि गोल्ड रखा है निकाल लीजिए आयरन रखा है निकाल लीजिए मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं जैसे एल्युमिनियम का जो ओर है वो कॉमन ओर बॉक्साइड है अगर मरकरी निकालना है तो सिर्फ सिनेबार को यूज करना पड़ेगा लेड निकालना है तो गैलेना को इस्तेमाल करना पड़ेगा उसी तरीके से अगर लोहा निकालना है तो आपके पास लोहा निकालने के लिए पांच चीजें जो है वो मौजूद होती हैं इसमें मैग्नेटाइट यस मैग्नेटाइट जो है वो भी ऐड हो जाएगा तो छह ओर आप यहाँ पे याद रखिए छह ओर्स क्या याद रखने रखनेटाइट है? लिमनेनाइट सिडेराइट मैग्नेटाइट आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट एंड कृपया करके प्लीज करके इनके जो टोटल ओर्स हैं वो याद रखिए खाली एक ओर से काम नहीं चलता है आपको कुछ भी पूछा जाता है कैसेटराइट किसका ओर है है ना ऐसे करके कैल्वेराइट किसका ओर है तो इसकी अपन अलग से एक पूरी क्लास करेंगे बट इन बिटवीन ये अभी लर्न करते जाइए आप आयरन के ओर याद रहेंगे अभी इसके बाद प्लीज करके ना आप भूलिएगा नहीं छह ओवर जो है वो आपको लर्न करने हैं छे ओर है ना हेमेटाइट लिम्नेटाइड सिडराइट मैग्नेटाइट आयरन पैराइट और कॉपर पैराइट छे ओर याद रहेंगे आपको ये सारे के सारे के मैं आपको कराऊंगी बट एक एक करके लर्न करते जाइए ट्यूबलाइट जो होती है ना उसमें क्या भरा जाता है जैसे बल्ब के लिए आपसे पूछते हैं कि बल्ब जो है आयरन उनमें से है जिसके सबसे ज्यादा और पाए जाते हैं इसीलिए लोहा जो है देखिए जो चीज सबसे ज्यादा पाई जाएगी वो सस्ती होती है लोहा थोड़ा सा ज्यादा उसके ओर है छे ओर है तो लोहा इतना महंगा तो नहीं है थोड़ा सा सस्ता है अब आप देखिए गोल्ड और सिल्वर और प्लैटिनम, इनके तो और ही बहुत ज्यादा कम है प्लैटिनम और गोल्ड और सिल्वर के तो मात्र एक एक और होता है तो आपको पता है ये महंगा है तो भाई डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है डिमांड एंड सप्लाई और उसके बाद मनी तो किसी भी चीज़ का जो मूल्य है वो उसकी डिमांड और सप्लाई से रिलेट करता है ना तो डिमांड जो है या सप्लाई में बोलूँ तो सप्लाई जो है वो आयरन की ज़्यादा है आराम से मिल जाता है छः छः और हैं कहीं ना कहीं कही कोई ना कोई और तो मिल ही जाएगा लेकिन गोल्ड और सिल्वर जो है वो इसीलिए ज़्यादा कॉस्टली बोले जाते हैं क्योंकि ज़्यादा मिलते नहीं है बराबर है अजय ये बताइए ट्यूबलाइट इज फिल्ड विद अगर यही चीज आपसे पूछा जाए कि भाई बल्ब में क्या भरा जाता है तो आपको पता है बल्ब 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 में 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 आर्गन भर भर देते हैं या बल्ब में जो है है वो नाइट्रोजन भर दिया जाता आप समझते हो कि जब भी बल्ब में अगर आपने मान लीजिए एयर भर दिया या ऑक्सीजन भर दिया तो वो रिएक्टिव होगा किसके साथ टंगस्टन के साथ जो है वो रिएक्टिव हो जाएगा तो टंगस्टन के साथ रिएक्ट होगा तो बल्ब बार बार फटता रहेगा टूटता रहेगा है ना लेकिन अगर आपने आर्गन या नाइट्रोजन

लर्न करना है आपको मरकरी वेपर्स मरकरी वेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जरा याद, लिखी जाए, तो आप याद और आर्गन तो आर्गन दोनों में कॉमन हो गया यहाँ पे नाइट्रोजन बल्ब के लिए लर्न करना है और मरकरी वेपर्स आपको ट्यूबलाइट के लिए लर्न करना है याद रहेगा कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे है ना ये चीज याद रहेगी तो ये चीज थोड़ा सा अच्छे से याद रखिए गैसेस यूज फॉर राइपनिंग ऑफ रॉ फ्रूट्स कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस को इस्तेमाल किया जाता है देखिए अगर नेचुरल आपसे पूछी है तो नेचुरल अपन कौन सी इस्तेमाल करते हैं या कृत्रिम रूप से और नेचुरल दोनों पूछी जाएंगी तो प्राकृतिक रूप से पूछा जाए तो इथाइलीन करके आंसर करना है राइट right, इथाइलिन लेकिन यही चीज अगर आपसे कृत्रिम रूप से पूछा जाए कि कृत्रिम रूप से कौन सी गैस जो है वो यूज की जाती है तब उस कंडीशन पे ना ऐसे टाइलिन करके याद रखना है क्या लर्न करना है आपको एसिटाइलिन जहां जहां जिस क्वेश्चन में डाउट लगे लगे कि ये क्वेश्चन का आंसर सही नहीं जा रहा है या ये चीज अपने को समझ नहीं आई है तो कृपया करके वहीं पे उसी क्वेश्चन को पूछेगा देखिए साइंस क्लास में आप जितनी भी चीजें रिवाइज करके या इस क्लास में जाते हो ये ऑलरेडी आप लोगों के लिए कई बच्चों के लिए तो रिवीजन ही होगा खाली थर्टी फोर्टी परसेंट बच्चे हैं जो नया चीजें जो है वो करे बाकी मैं देख सकती हूँ यहाँ वो बच्चे हैं जो दो या उन्नीस से मेरे साथ जुड़े हुए है ना तो रिवीजन भी कर रहे हैं या नया भी सीख रहे हैं ना तो कहीं पे लगे कि नहीं येगा तो अच्छा उसके अलावा ना एक पेपर भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको कार्बाइड पेपर बोलते हैं है ना क्या बोलते हैं कार्बाइड तो कार्बन कार्बाइड का या कार्बाइड का एक पेपर होता है उसको भी इस्तेमाल करते हैं तो जैसे ये फ्रूट्स हैं उसको उस पेपर में लपेट दिया दो तीन दिन बाद वो पके होते हैं उसको हटाते हैं तो वो पेपर क्या होता है वो कार्बाइड पेपर बोला जाता है तीनों चीजें याद रखिएगा आपसे एग्जाम में ना कुछ भी पूछेंगे इथाइलिन या कार्बाइड पेपर राइट मेन और अच्छा अभी मैंने आपको बताया मरकरी का मेन और जो है वो क्या बोला जाता है अगर फार्मूला लिखेंगे तो एच जी एस हो जाता है फॉर्मूला किसके लिए लिखा है मैंने ये और मतलब किसका फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे कार्बाइड पेपर भी लर्न कर लीजिए कोई इशू नहीं है उसके अलावा ये जीके की क्लास के लिए कितना इतना टेंशन का ले, ले रहे हो आप लोग जीके की क्लास आपकी मंडे से सिक्स थर्टी पे कर लेंगे ठीक है साढ़े छह बजे से लेके आ, मैं आपको सात बजे तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करा दूंगी सिनेवार करके याद रखना है अब देखिए यहाँ पे हमारा कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं है ना ऑब्जेक्टिव है तो बस आप स्पेलिंग भले ही गलत लिखिए कोई बात नहीं आप एस से लिख रहे हैं तो भी चलेगा लेकिन आपको समझ आना चाहिए पेपर में ठीक है शनिवार करके याद रखिए सिनेबार जो है ये आपका सिनेबार मरकरी के ओर के लिए बोला जाता है, है ना की की कर, उनकी त्वचा के ऊपर भी मैंने आपको अभी एक दो दिन पहले ही अकेडमी की क्लास में करा है ना साइंस वाली में समुद्री जीव की जो कवरिंग होती है या झिल्ली होती है या जो लेयर होती है उसपे भी वही परत होती है जिस जो परत अंड

कैल्शियम कार्बोनेट करके लिख लें यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या लिखना है आपको सी ए सी ओ थ्री राइट कैल्शियम कार्बोनेट फुल नाम क्या लिखना है आपको कैल्शियम कार्बोनेट करके लर्न करिए और इसका फॉर्मूला क्या हो गया है यहाँ पे सी ए O थ्री करके तो चाहे आपको समुद्री जीव जैसे कि तारा मछली अगर आपसे पूछे कि भाई तारा मछली के ऊपर जो लेयरिंग होती है वो क्या होती है या हाइड्रा के ऊपर जो लेयरिंग होती है वो क्या होती है ऑक्टोपस के ऊपर जो लेयरिंग होती है वो क्या होती है तो याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट और एग शेल जो है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क बताइए अच्छा सिल्क के लिए एक अपन ने पीछे क्वेश्चन किया था ये उसी से रिलेटेड है अगर आपसे पूछा जाए ना कभी कि टेक्सटाइल में यानी कि कपड़ा में या आ, कपड़ा उद्योग में या कपड़े में सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा महंगा कपड़ा जो है वो कौन सा होता है सबसे मजबूत और सबसे महंगा कपड़ा कौन सा होता है तो आपको आंसर सिल्क करना है सिल्क का अपन ने मैंने आपको बताया था कि एक एक मीटर सिल्क कॉटन देखे तो अट्ठारह बीस रुपए का भी आ जाता है अट्ठारह बीस रुपए मीटर का कॉटन का कपड़ा भी आ जाता है और वहीं पे अगर आप सिल्क देखोगे ना तो डेढ़ डेढ़ लाख रुपए मीटर सिल्क जाता है मतलब अस्सी अस्सी हजार साड़ियाँ होती है डेढ़ डेढ़ लाख रुपए की तो ना सिल्क अगर प्योर होगा अब इसमें से आपको अगर आर्टिफिशियल पूछा जाए जो हमारी कृत्रिम रूप से बनाया जाता है ना सिल्क उसको अपन रेन सिल्क के नाम से जानते हैं अरे वाह क्या बात है रेन करके याद रखिए, अमोल बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे संसार है। रेऑन करके याद रखिए ठीक है रेन जो होता है ना ये हमारा आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है नवदीप विजेंदर बिल्कुल रियॉन इज डिफाइंड एज व्हाट दी आर्टिफिशियल सिल्क फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी एंड बाय होम प्रयोग ये वन लाइनर से आप ज्यादा खुश हो जाते हैं वन लाइनर आपको अच्छे लगते हैं पढ़ने के लिए चलिए Uh, सामने बच्चे खुश होके पढ़ रहे हो ना तो ये ये चीज़ पढ़ाने में भी, भी मजा आता है पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था वो यूरिया है है ना यूरिया और भारत की पहली फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर की जो फैक्ट्री होती है है वो कौन सी है सिंदरी बोलते हैं सिंदरी में भारत की पहली फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो है वो बनाई गई थी यूरिया पहला कंपाउंड है जिसको आप NH2, आ, एन एच टू बॉन्ड एन एन एच टू बॉन्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एन एच टू ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा जाता है यूरिया का और किसके द्वारा बनाई गई थी तो फ्रेडरिक वोलर नाम जो है वो आपको याद रखना है फ्रेडरिक वोलर और जो जो सिंथेसिस या प्रक्रिया है उसको वोलर प्रक्रिया या वोलर सिंथेसिस के नाम से जानते हैं साइनाइड को इसमें इस्तेमाल किया गया था पोटेशियम साइनाइड जो है ना उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था तो सिंदरी जो है वो झारखंड में है ना सिंदरी कहाँ पे है सिंदरी कहां पे है झारखंड के अंदर राइट झारखंड में ये है शायद जहां तक याद है ना झारखंड के अंदर लोकेटेड है यूरिया जो है वो पहला कंपाउंड फ्रेडरिक वोलर या वोलर सिंथेसिस करके यहाँ पे याद रखना है ना वट ब्लैक एंड सिल्वर शाइन चांदी की चमक जो है वो काली किसके द्वारा हो जाती है अब फिर से ये ये तीन आते हैं क्वेश्चन एक आपसे लोहे के लिए पूछा जाएगा एक चांदी के लिए पूछा जाएगा और एक आपसे तांबा या कॉपर जो होता है उसके लिए पूछा जाता है देखिए ये क्वेश्चन कभी भी सिल्वर या गोल्ड के लिए तो पूछ आइए सॉरी गोल्ड के लिए तो पूछते ही नहीं है ना प्लेटिनम के लिए पूछते हैं क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट रिएक्टिव है तो तो ही वो जो है ना वो उसका कलर फेड होगा यहाँ पे तो जल्दी से यहाँ पे झारखंड धनबाद बिल्कुल यहाँ पे आयरन जो है ये कौन सी फैक्ट आयरन फैक्ट्री क्या आयरन जो है वो कैसे काला होता है सिल्वर सल्फाइड की वजह से यानी कि जब सल्फर अटैक हो जाता है ना अरे आयरन आय आए, सॉरी ये चांदी चांदी जो है वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से आयरन जो है वो ऑक्सीजन और पानी की वजह से जो कि रस्ट कलर हो जाता है भूरा रंग जो है ना वो लोहे के ऊपर लग जाता है आप जिंक जो है वो लगा दीजिए यशद लेपन कर दीजिए आयरन लोहा ठीक हो जाएगा चांदी जो है वो सल्फाइड की वजह से काली हो जाती है सल्फाइड लिखिएगा सल्फर नहीं लिखेगा इसमें आपको सल्फाइड लिखना पड़ेगा और तांबा जो है वो किसकी वजह से होता है हरा तो कार्बोनेट याद रखिए लोहा हो जाता है भूरा चांदी हो जाती है काली और कार्बोनेट यानी कि तांबा हो जाता है हरा तो साफ हो जाते हैं ये सल्फर को हटा दिया जाता है रिमूव कर दिया जाता है चांदी पे से इसको रिमूव नहीं कर पाते हैं जिंक से लेपन कर देते हैं तो यशद लेपन हो गया और तांबा जो है वो कार्बोनेट हो गया जिसको यहाँ पे हरा करके डिफाइन करते हैं तो कार्बन कार्बोनेट जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है जिसको पीताम्बरी से साफ कर देते हैं किससे साफ कर देते हैं पीताम्बरी से तो आयरन भूरा चांदी काली और तांबा हरा याद रहेगा ये नॉन स्टिक कोटिंग इन यूटेंसिल्स इज ऑफ ये मैंने आपको बताया था ना अभी दो तीन दिन पहले भी हां जी बिल्कुल यहाँ पे निमी ब्रास जो है वो सल्फाइड आ, H2S करके ब्रास से भी बोल दिया जाता है अच्छा ये बताइए ये क्वेश्चन मैंने आपको दो तीन दिन पहले भी बताया था कि जब आपसे ये पूछा जाए ना कि नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं ना उनपे किस चीज की कोटिंग होती है तो पहली बात तो ये कि नॉन स्टिक बर्तन घरों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं अगर आपके घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं तो घर में थोड़ा सा प्रिकॉशियसली इसको बता दीजिए फॉर्मूला जो है वो C2 टू uh, ये हाँ सी टू एफ फोर एन टाइम्स करके इसको डिफाइन करेंगे क्योंकि मल्टीपल चेन्स जो है वो इस्तेमाल की जाती है इसको बोलते क्या है यहाँ पे पूरे को क्या बोलेंगे पहले तो ये बता दीजिए कि भाई ये क्या है क्या टेफलॉन करके लिखा जाता है फॉर्मूला याद रख लीजिए टेफलॉन का फार्मूला क्या होता है टेफलॉन का फार्मूला टेफलॉन का फार्मूला आपसे पूछेंगे तो सी टू एफ फोर करके याद रखिएगा पॉली टेट्रा इथाइलिन करके इसको बोला जाता है पॉली टेट्रा पूरा नाम याद रखेगा क्या लिखेंगे इसको

कि नॉन स्टिक बर्तन में खाना नहीं बनाइए दिस इज वन ऑफ लीडिंग कॉज ऑफ दैंसर कैंसर कैंसर होने का ना ये सबसे बड़ा रीजन जो है ना अभी साइंटिफिकली पूरा का पूरा प्रूवन किया गया है इसका मेल्टिंग पॉइंट तीन डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो जैसे ही आपने खाना बनाना शुरू किया तवे पे ये आप नॉन स्टिक के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसको रखिए बनाइए गर्म होते ही टेफलॉन की जो कोटिंग होती है वो फूलना शुरू हो जाती है और खाने के अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक इसके पार्टिकल्स होते हैं ना टेफलॉन के वो खाने में मिक्स हो जाते हैं पता भी नहीं चलेगा कि कब टेफलॉन खा लिया और शरीर को नुकसान पहुंचा दिया सो प्लीज स्टॉप इट अगर घर में इस्तेमाल करते हो आप इसमें खाना जल्दी बन जाता है ना तो लोगों को लगता है कि चलिए ही इस्तेमाल कर लीजिए एल्युमिनियम के बर्तन जो है वो सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो रिएक्टिव नहीं होता है इसीलिए एल्युमिनियम के फॉइल पेपर को भी अपन यहाँ पे ना इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी हार्डनेस ऑफ दी वाटर तो इसमें आप कार्बन और मैग्नीशियम uh, याद रखिए कार्बोनेट या मैग्नीशियम करके या कैल्शियम मैग्नीशियम याद रखिए बाई कार्बोनेट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाई कार्बोनेट होते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं परमानेंट हार्डनेस टेम्पररी हार्डनेस के लिए जरूरी होते हैं अदर नेम ऑफ द फूल्स गोल्ड मतलब फूल्स गोल्ड का दूसरा नाम क्या है फूल्स गोल्ड इसलिए क्योंकि वो सोना है नहीं लेकिन सोने की तरह दिखाई देता है ऐसी करके मरकरी को भी बोलते हैं ना मरकरी का दूसरा नाम क्या होता है या मरकरी को अपन क्या डिफाइन करते हैं तो अरे तो चांदी के रूप में बोला जाता है क्योंकि भाई चांदी वो है नहीं लेकिन चांदी जैसी दिखाई देती है क्विक सिल्वर त्वरित चांदी या फिर क्विक सिल्वर के रूप में इसको जाना जाता है वहीं पे अगर मैं आपसे पूछू का दूसरा नाम क्या है तो वो सोना होता नहीं है लेकिन सोने की तरह ना दिखाई दे जाते ठीक है थीके? सोने की तरह दिखाई देता है इसलिए अपन इसको डिफाइन करते हैं फूल्स गोल्ड क्या होता है आयरन पायराइट होता है ना ये क्या लिख रहे हैं आप लोग आंसर में क्या लिख रहे हैं आयरन पायराइट करके याद रखिए आयरन पायराइट आयरन पायराइट करके याद रखिए आयरन पायराइट जो है ना वो यहाँ पे फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है अभी मैंने आपको ओर्स में बताया था ना आयरन पायराइट था वहां पे तो वो लगता है कि वो सोना है पर सो, हर चीज सोना नहीं होती है ना सोना दिखने वाली सारी चीजें सोना होती नहीं है कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस फॉर वाटर पीछे टेम्पररी हार्डनेस था अभी परमानेंट हार्डनेस आपको पूछी जा रही है तो टेम्पररी हार्डनेस बताया अपन ने ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अगर आपसे परमानेंट हार्डनेस पूछी जाएगी तो आपको क्या लिखना है सल्फेट्स ठीक है सल्फेट सल्फेट्स एंड uh, एक चीज और ऐड एड़ होती है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम करके याद रखिएगा तो अगर आपसे टेम्पररी पूछा तो बाइकार्बोनेट याद रख लीजिए ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और आपसे परमानेंट पूछा तो सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स हाँ यहां पे आएगा कार्बोनेट्स तो सल्फेट एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बराबर मेरी बात समझे या नहीं है टेम्पररी हार्डनेस को आप हटा सकते हो खाना सोडा मिला के लेकिन परमानेंट हार्डनेस को नहीं मिलाया नहीं हटाया जा सकता है परमानेंट एंड हार्डनेस को नहीं मिलाते मतलब हटाते हैं तो सल्फेट एंड कार्बोनेट जो हैं, अगर वो कैल्शियम और मैग्नीशियम में है तो वो परमानेंट बनाएंगे और अगर आपके यहाँ पे दूसरा अपन ने क्या बोला अगर बाई कार्बोनेट्स अगर आप बोलोगे तो बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है HCO3 लिखा जाता है H माइनस तो इसमें अगर खाना सोडा मिला दिया बाई में तो इसको आप रिमूव यहां से कर सकते हो ये बताइए कॉमन प्रिजर्वेटिव इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सामान्य प्रिजर्वेटिव या कॉमन प्रिजर्वेटिव जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है दीपक आ, दीपक जोरा थैंक यू सो मच फॉर दिस है मतलब दीपक ना जब से क्लास हुई है ना शुरू एक ही बात लिखे जा रहे हैं कि आप बहुत बुरे हो मान लिया मान लिया भाई हम बहुत बुरे बहुत ही ज्यादा क्या करें अब अच्छे बन ही नहीं पा रहे हैं कैसे क्या करें ये बताइए कंपाउंड रिस्पॉन्सिब ये प्रिजर्वेटिव के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है गजेंद्र गजेंद्र ठाकुर साहब क्या बात है सल्फेट अः याद रखना है अच्छा दो चीजें याद रखिए आपको सोडियम बेंजोइट इसलिए याद है क्योंकि हाल ही फिलहाल में ना आप सोडियम बेंजोइट जो है वो पढ़े हो अगर मैं आपसे कॉमन पूछूं तो क्या याद रखना है खाली सोडियम बेंजोइड जो है ना वो नहीं लर्न करिए सोडियम बेंजोइड जो है ना वो यहाँ पे सिर्फ नहीं लर्न करिए आप कभी सोडियम बेंजोइड नहीं लिखा होगा ना तो आपको सीधा सीधा ना बेंजोइक एसिड भी लिखा होगा क्या लिखा होगा बेंजोइक एसिड भी लिखा होगा तो दोनों चीजें लर्न कर लीजिए सोडियम बेंजवाइट भी लर्न करिए यहाँ पे और उसके बाद जो है ना वो बेंजोइक एसिड भी लर्न करिए तो दोनों करके लर्न करना है ठीक है सोडियम बेंजोइड भी और बेंजोइक एसिड भी लर्न करिए कॉमन प्रिजर्वेटिव जिंक फॉस्फाइड जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अभी आप पीछे आंसर दिए हो ना जिंक फॉस्फाइड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है चूहे को धोखा देने के लिए ठीक है चूहे को मारने के लिए हम चूहे को रखते हैं कि बिस्किट है भाई चूहा खुश होकर बिस्किट खाता है मर जाता है अच्छा एक चीज और बात बता दूं अभी चूहे जो है ना वो थोड़े से जिंक फॉस्फाइड के लिए अडेप्टेबल हो गए अभी चूहा ना बिस्किट खा के भी नहीं मरता है क्योंकि अडेप्टेबिलिटी धीरे धीरे आ ही जाती है तो अडेप्टेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे आ जाती है बॉडी में अगर हम एक ही चीज को कंटिन्यू देखिए अगर डेली किसी को हल्का हल्का पॉइजन दिया जाएगा ना तो वो ऐसा नहीं है मरेगा नहीं उल्टा उसकी बॉडी अडेप्टेबल हो जाएगी आपने एक बड़ी फेमस सी कहानी सुनी होगी चाणक्य और चंद्रगुप्त की ना तो चाणक्य जो है ना वो चुपचाप से चंद्रगुप्त के खाने में डेली पॉइजन थोड़ा थोड़ा देते थे जिसकी वजह से चंद्रगुप्त की बॉडी पॉइजन के अगेंस्ट इतनी ज्यादा इम्यून हो गई कि जब उनको वास्तव में पॉइजन दिया गया तो उनकी बॉडी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा इम्यूनिटी ऑफ अर बॉडी तो धीरे धीरे डेली जो है ना प्रैक्टिस से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत स्ट्रॉग हो सकती है एंड दिस इज नॉट इन विद कोई भी कोई फॉलो करेंगे ना रेगुलरली किसी चीज को तो वो अच्छे से काम करेगा so, की बनी होती है फ्यूज वायर घरों के बाहर जो है वो लगाया जाता है फ्यूज वायर इस तरीके का छोटा सा एक पार्ट होता है जिसमें इस एल्यूमिनियम का ऊपर कैपिंग होती है अंदर में इसमें एक पतली सी वायर होती है तो लेड एंड टिन के लिए बोलते हैं फ्यूज वायर जो है वो अपनी क्या बोली जाती है लेड एंड टिन की बनी होती है ये फ्यूज वायर तब इस्तेमाल किया जाता है जब घरों के अंदर मान लीजिए कि लाइट अचानक से शॉर्ट सर्किट वाली जो कंडीशन है या करंट जो है ना वो बहुत तेजी से फ्लो कर गया है तो ये वायर जो होगी लेड एंड टिन की ये टूट जाएगी और घर के अंदर करंट यहाँ पे नहीं आने दिया जाएगा मेल्टिंग पॉइंट होता है लो रेजिस्टेंस होती है इसकी बहुत ही ज्यादा लो है ना तो करंट को आने देगा फ्यूज वायर व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर दी ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन दी अर्थ तो अगर किसी भी चीज को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से भेजा जाएगा तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 11.2 किलोमीटर सेकंड के हिसाब से यहां पे डिफाइन किया जाएगा इफ द टेम्परेचर इन साइड अ रूम इज इंक्रीज द रिलेटिविटी ह्यूमिड रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल वट यदि कमरे के अंदर में मान लीजिए कि हमने टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उस पर कोई फर्क पड़ेगा डेफिनेटली फर्क पड़ेगा टेम्परेचर को बढ़ाने पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाती है यानी कि टेम्परेचर जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया या टेम्परेचर बढ़ाया रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर घटाने पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी इफ अ बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज विल बी टोटल नंबर ऑफ पोल्स तो आपने बार मैग्नेट को तीन पार्ट में कट कर दिया मान लीजिए तो पोल्स की संख्या कितनी होगी तो so, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल टोटल पोल्स की संख्या कितनी हो जाएगी छ याद रखेंगे समझ आ रहा है यहाँ पे छह याद रखेंगे humidity लिखा था तो ह्यूमिडिटी तो डिक्रीज ही होगी के हिसाब से अच्छा ये बताइए बार कट दी थ्री पीसेस, तो आपके पास कितने मौजूद होंगे लिख लिख सकते हैं पे के। बिल्कुल करके लिख लिख पे बिल्कुल छह छह करके 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 लीजिए ऐसा ना छह पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा लाइट ट्रेवल्स इन बताइए लाइट ट्रेवल्स इन किस कॉन्टेक्ट में पूछा जा रहा है लाइट हमेशा ट्रेवल करती है तो नहीं ट्रेवल करती है लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइट में, स्ट्रेट लाइन में कैरी करती है या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है जिसको आप रे के नाम से जानते हो वेयर इज वैल्यू ऑफ दी इज मैक्सिमम पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं पृथ्वी पे हमारी जी की जो वैल्यू होती है वो कहां पे मैक्सिमम होती है पोल्स पे यानी कि ध्रुव जो होते हैं उन पे मैक्सिमम होती है क्यों? क्योंकि सेंटर से रेडियस जो है पोल्स की कम होती है और इक्वेटर पे जी की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है क्यों? क्योंकि सेंटर से जो रेडियस होती है वो क्या होती है ज्यादा होती है तो रेडियस अगर कम होगी तो जी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी मैक्सिमम पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है मैक्सिमम इज ऑन दी पोल्स करके याद रखिएगा ठीक है, है? नेक्स्ट बताइए गुड गुड कंडक्टर कंडक्टर ऑफ दी हैव लूजली बाउंड वर्ड अगर कोई भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करके डिफाइन किया जाता है या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो आपकी गुड कंडक्टर ऑफ दी या जैसे मान लीजिए सिल्वर है ठीक है सिल्वर है या कॉपर है ये गुड कंडक्टर्स है तो

इसकी पैरीफेरी पे यानी कि अप केंद्रक जिसे बोलते हो ना जो हम यहाँ पे ग्रेविटी बोलते हैं ये हमने कहा लाई करेगी इसके पैरीफेरी के ऊपर द ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन करके याद रखना है किसी भी बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन यानी कि डब्लू का बना होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380। यूरेनियम का स्प्लिटिंग अगर होगा यानी कि नाभिक में अगर यूरेनियम जो है ना इसको तोड़ा जाएगा तो यूरेनियम के टूटने से क्या निकलेगा तो न्यूट्रॉन करके याद रखिए यूरेनियम के टूटने से न्यूट्रॉन्स जो है वो वो रिलीज होते हैं और और एक यूरेनियम 235 जो है बेरियम बेरियम या या बेरियम और में टूटता है या फिर लेड और क्रिप्टन में टूटता है तो ये दोनों याद रखिएगा एक यूरेनियम अगर न्यूक्लियर रिएक्टर के तो अंदर टूटेगा तो वो बेरियम क्रिप्टॉन या लेड क्रिप्टॉन या फिर न्यूट्रॉन तीनों चीजें करके याद रखिए किलो वॉट आवर ये किसकी यूनिट बोली जाती है तो किलो आवर सिर्फ एनर्जी नहीं लिखेगा वाणिज्यिक एनर्जी लिखेगा यानी कि कमर्शियल है ना तो किलो आवर किसके लिए लिखते हैं अपन वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए या वाणिज्यिक कमर्शियल एनर्जी जो है उसके लिए लिखा जाता है एक साधारण उपकरण जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है मतलब सिंपल सा चीज है अगर हम यहाँ पे इसको सिंपल सा चीज याद रखें सर्किट की बात हो रही है एक सर्किट में मान लीजिए एक कंडक्टर आपने लगाया है साथ में इसमें एक बैटरी लगा दी है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं और करंट जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्विच अगर आप लगा देंगे ना तो स्विच के क्लोजिंग या स्विच के ओपनिंग से पूरी सर्किट के अंदर जो है ना वो करंट फ्लो भी हो जाएगा और करंट जो है वो रुक भी जाएगा अच्छा ये बताइए अगर कोई भी पर्सन जो है वो डार्क स्किन का है है ना इन कंपेरिजन विद अ मैन विद अ वाइट स्किन

ठंड भी कम लगेगी और गर्मी भी कम लगेगी तो व्हाइट स्किन पीपल्स हैव अ डिसएडवांटेज और ब्लैक स्किन पीपल्स जो होते हैं वो एडवांटेजियस स्टेज में रहते हैं तो जो काले लोग होते हैं ना उनकी वो शानदार उनकी स्किन होती है याद रखिएगा कम ठंड लगती है कम गर्मी लगती है तो ज्यादा ये जो चीज़ें हैं ना वो नहीं चाहिए होती हैं उनको और सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई जो वाइट पीपल्स होते हैं उनको कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है स्किन कैंसर जो है वो स्पेनिश या वाइट पीपल्स को ज़्यादा होता है नॉर्दर्न पार्ट के जो लोग है उनको हैं उनको ज़्यादा होता है। सदर्न पार्ट के लोगों को कैंसर का खतरा कम होता है तो वाइट पीपल्स एक्सपीरियंस या वाइट पीपल्स में कैंसर uh, गर्मी सर्दी सारे उनके जो मौसम है ना उनको अफेक्ट करते हैं जबकि ब्लैक स्किन में ये कुछ भी जो है ना वो नहीं होता है तो ये चीज़ थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा दिस इज इंपॉर्टेंट राइट तो टू हैव द ब्लैक स्किन इज नॉट समथिंग यू शुड फील बैड अगर काली स्किन है या रंग थोड़ा सा सांवला है तो ये अच्छी ही चीज़ है कोई बुरी चीज़ नहीं है यहाँ पे है ना अच्छा ये बताइए कैम्बर्ड लॉ कैम्बर्ड्स लॉ इज रिलेटेड टू तो इंटरफेरेंस हम बोलते हैं ये हमारे आ, लाइट का जो फिनोमिना है उसके लिए बोला जाता है इंटरफेरेंस जो है वो कैम्बर्ड्स लॉ से रिलेटेड अपन यहाँ पे डिफाइन करते हैं अच्छा सोनोग्राफी की जाती है अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसी तरीके से सोनोग्राफी की जाती है <coughs> तो सोनोग्राफी में कौन सी तरंगों को इस्तेमाल करते हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव्स करके याद रखिएगा अभी हाल ही फिलहाल में आपको पता होगा एम्स के द्वारा या गुलेरिया जी जो है उनके द्वारा एक डायरेक्शन दी थी कि सीटी स्कैन नहीं करवाना है क्यों क्योंकि एक्सरे जो है वो सीटी स्कैन में कैंसर का खतरा होता है सोनोग्राफी भी बहुत ज़्यादा नहीं करानी चाहिए बचें तो एक्सरे भी ज़्यादा नहीं कराना चाहिए क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक्सरे सोनोग्राफी सी स्कैन इन सब में हार्मफुल रेज जो है वो बॉडी के अंदर जाती हैं एंड रिपीटेडली अगर ये चीज़ कराई जा रही है तो अगेन कैंसर का खतरा ज़्यादा हो जाता है तो सोनोग्राफी में ना हम क्या इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं, वो इस्तेमाल की जाती है तो तो पावर लिखा हुआ है तो एम मीटर नहीं याद रखिएगा अगर पावर करंट लिखा हुआ है ये लिखा है ना कि आपको इलेक्ट्रिक करंट की पावर बतानी है तो करंट नहीं नाप रहे हम पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट नाप रहे तो कभी इसके लिए ना एम्पियर जो है ना वो नहीं लिखेगा इसमें अपन क्या लिखते हैं हमेशा वॉट मीटर लिखते हैं क्या लिखते हैं यहाँ पे वॉट मीटर करके याद रखिए वॉट मीटर तो पावर के लिए ना आप हमेशा वॉट मीटर जो है वो इस्तेमाल करोगे ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को तब आंसर करिएगा ठीक है पावर के लिए लिख रहे हैं। ये बता दीजिए पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपको वॉट मीटर लिखना है और अगर आपसे सिंपल करंट की मेजरमेंट पूछी जा रही है तो एम मीटर लिखते वॉल्ट मीटर नहीं वोल्ट मीटर नहीं बोला मैंने वॉट मीटर बोला है वॉट मीटर ठीक है वोल्ट मीटर तो वोल्ट वोल्टेज को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को एम मीटर जो है तब नापने को इस्तेमाल किया जाता है meter, अगर थोड़ा सा भी करंट है तो उसको नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये तीनों तीनों चीजें तो तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी सर्किट की बात कर रहे हैं कि भाई कोई सर्किट के अंदर किस तरीके से लगी हुई है चीजें लेकिन अगर सिंपल पावर की मेजर की जाएगी मतलब यहाँ पे पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट नापी जाएगी तो वॉट मीटर करके याद रखिएगा सो फाइनली आर दी फिफ्टी क्वेश्चन ऑफ योर स्क्रीन जो अभी आपने किए हैं वो साइंस के हैं ऐसे ही वन लाइन क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीक से आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह के लिए स्टार्ट कर लेंगे और जो 8000 वाली सीरीज है ना वो कहीं गई नहीं है वो मैं आपको कराऊंगी पर थोड़ा सा दैट शुड बी शेड्यूल्ड एंड प्रॉपर आपको मिलनी चाहिए ना वो कि जिससे आपको कुछ तो एडवांटेज मिले सिर्फ पढ़ाने से मतलब नहीं है ना पढ़ाने के बाद आपको एडवांटेज भी मिलना चाहिए तो ये क्लासेज आपकी एट वाली भी चलती रहेंगी एंड वील डू द क्वेश्चन सो आप लोग uh, कोई टेंशन ना लीजिए एमपी पुलिस के लिए ठीक है भाई देखिए जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम में अगर आपको साइंस अच्छी खासी पूछी जाती है तो दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू नो डाउट साइंस का टेस्ट ये हम हर दिन करते हैं आठ से नौ बजे ठीक है हर दिन आपका आठ से नौ बजे साइंस का टेस्ट होता है जहाँ पे अन अकेडमी के ऊपर भी आपके तीन क्लासेस चल रहे हैं एक यूट्यूब पे चल रहा है और मंडे से साढ़े छ बजे जो है ना वो स्टैटिक जीके का भी पार्ट यूट्यूब पे शुरू कर देंगे तो उसमें मैं आपको फोर्टी क्वेश्चन डेली करा दूंगी यहाँ पे अन अकेडमी पे दो बजे साइंस का टेस्ट यस आज भी है अन अकेडमी पे साइंस की थ्योरी आपकी छह बजे चलती है तो जिसको भी आप में से जनरल साइंस का पूरा थ्योरी जो है वो मुझसे पढ़ना है आप लोग अन अकेडमी पे आ सकते हैं और जीके का

प्रोफाइल है उसको आप जरा देख लीजिए फॉलो कर लीजिएगा प्रोफाइल पे ताकि जो भी क्वेश्चंस या जो भी सीरीज आपकी चल रही हो आप आराम से वहाँ पे जाके उस सीरीज को अटेंड कर सकते हैं ठीक है जो भी कोड आपसे पूछेंगे आप शिप्रा लाइव कोड जो है वो यूज कर लीजिए सो गाइस आज के लिए थैंक यू सो मच लेट्स स्टार्टेड विद यहाँ पे आपका पीडीएफ जो है वो आपके कमेंट सेक्शन में पढ़ जाएगा तो पी जो है वो पढ़ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में राइट वर्ड फाइल रहेगा और दूसरा जो दो से तीन बजे अनअकेडमी पे टेस्ट है तीन बजे तक नहीं होता है एज एव स्टेटेड मैं पैंतीस मिनट में उस टेस्ट को पूरे को कंप्लीट कर देती हूँ तो थर्टी फाइव मिनट का चैलेंज करके इसको बोलते हैं थर्टी फाइव मिनट का जो टेस्ट है वो आपका अन अकेडमी पे है उसका लिंक भी आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि कमेंट में मिल जाएगा हाँ भैया आप एम पुलिस जो है वो उसके लिए याद रखे निपिन अच्छा कल आपका जो है वो सितंबर 2020 के मंथ का जो भी उस मंथ का जो करंट अफेयर था वो मैं आपको कल कराने वाली हूं तो सितंबर 2020 का करंट अफेयर कल जो है वो आपका हो जाएगा सात बजे कितने बजे सुबह सात बजे तो कल सुबह सात बजे आना ना भूलिए सितंबर 2020 का करंट अफेयर हम करेंगे आठ बजे जो है वो अन पे साइंस की क्लास करेंगे ठीक है जीएस की क्लास शिवम देखिए ध्यान से सुन लीजिए दो से तीन आपका ना साइंस का टेस्ट होता है छे से सात अन अकेडमी पे शाम को डेली साइंस की थ्योरी चल रही है जिसमें एनिमल किंगडम कंप्लीट किया है अगला जो पार्ट है वो सेल का होगा यानी कि सेल डिवीजन सेल वाला पूरा पार्ट जो है ना वो हम कंप्लीट करें ठीक है थीके? अभी के लिए थैंक यू सो मच पी जो है वो आपकी अपडेट हो जाएगी कृपया करके पढ़ लीजिएगा कहीं कोई दिक्कत रहता है तो आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पे ना हमारे बहुत दिक्कत हो रही है हमें प्रॉब्लम हो रही है या ये चीज जो है ना वो हमको जाननी है तो आप टेलीग्राम पे मुझे ना मैसेज करके पूछ सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है अदरवाइज क्लासेस आपकी दो से तीन छ से सात और सात से आठ अन अकेडमी पे और सुबह साढ़े छह बजे स्ट्रटिंग जीके की एक तीस पैंतीस मिनट की क्लास शानदार सी के ऊपर मंडे से और एक बजे जो अभी आप कर रहे थे साइंस वाली क्लास इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन करते हैं तो अभी के लिए थैंक यू सो मच लेट्स मीट पीडीएफ डायग्राम के साथ दिया करें ठीक है डायग्राम मैं आपको वर्ड फाइल में लगा के दे दिया करूंगी ठीक है अदरवाइज यही एनोटेशन के साथ चाहिए तो यही एनोटेशन के साथ ले लीजिए मंडे से मैं आपका यही वाला पीडीएफ अपडेट